जो लड़कियों पे अत्याचार जैसे बलात्कार, तो माओं को ये चाहिए कि उनको सेल्फ डिफेंस में डालें। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो घर की महिलाएं हैं यही महिलाओं की ही दुश्मन बन जाती हैं। जो दहेज मांगती है वो एक औरत ही है। दहेज के मामले में भी ऐसे कई लड़कियों की जो है मौत के घाट उतारती है, उन पर आप दहेज के क्या कहें? इसके लिए मानसिकता बदलनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा या फिर महिला दिवस के रूप में ही बस ये सिमट कर रह चुकी है आजकल। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हमको दूसरों पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो है मनाया जाता है और आज इसी तरह से मुमरा के खरडी रोड में आई कवर न्यूज़ और एलान टाइम्स द्वारा जो है एक खास तौर पर महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम का यहां पर आयोजन किया गया था, जिसमें मुमरा शहर के तमाम जो है महिलाएं, कोई पत्रकार हैं तो कोई और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी कई महिलाओं को जो है यहाँ पर बुलाया गया था और सम्मानित भी किया गया था। यहाँ पर चीफ गेस्ट जो है रुता भाट को भी बुलाया गया था और आज महिला दिवस के रूप में जो है हमने खास तौर पर महिलाओं से जो बातचीत की है उस बारे में हमारे सवालों का जवाब किस तरह से इन महिलाओं ने दिया है। मैम, जिस तरह से शासन प्रशासन की तरफ से भी देखा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ जो एक अलग चीज़ इस्तेमाल की, जैसे हाथरस की जो घटना सामने आई थी उसमें पुलिस वालों ने ही जो है एक लड़की को जो उनके परिजनों को नहीं सौंपा और पुलिस वालों ने ही जला दिया, तो ऐसे में महिलाओं का सम्मान कहाँ हो रहा है? शासन प्रशासन के तरफ से भी नहीं हो रहा है, जो आवाज़ उठाते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो वो खुद ऐसी घटनाएं करते हैं। देखिए, जब मैं कहती हूँ कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दो, इज्जत दो, तो हम ये 1, 2, 40, 50 ये जो घटना हुई है वो बहुत बुरी है, लेकिन आपको भी पता है वो इसीलिए नहीं हुई कि वहाँ पर महिला थी, उसके पीछे कुछ और दूसरे तरीके की राजनीति थी। वो जिन्हें बचाया गया है इसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि शायद थोड़ा एक धार्मिक मामला भी था, और दूसरा उस वो जो बच्ची थी उसका उसे जिन्होंने भी जो भी कुछ किया था वो थोड़े इन्फ्लुएंशियल थे समाज में, और इसीलिए ये हुआ है। और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ ऐसे लगता है कि ये औरतों के साथ होता है, तो बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो आप। आजकल बहुत सारे बच्चे भी पीड़ित हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो 10 से लेके 20 16 साल तक है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका यौन शोषण हो रहा है। लेकिन क्या है, हमको ऐसा लगता है यौन शोषण मतलब सिर्फ औरत का होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। दहेज का मामला जिस तरह सामने, आयशा का मामला जिस तरह से सामने आया था, तो दहेज के मामले में ऐसे कई लड़कियों की जो है मौत के घाट उतारती है, उन पर आप दहेज के क्या कहें? देखिए, दहेज हो या अभी भी चाइल्ड मैरिज है, अभी भी हो रही है बाल विवाह, जो नहीं है अलाउड एक्चुअली हमारे इसमें, पर ये है ना, इसके लिए मानसिकता बदलनी चाहिए, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यही हम कहते हैं कि आप अगर सारे सोसाइटी की, चाहे वो औरत हो मर्द हो, अगर हम मानसिकता ना बदलें कि बेटा है तो मेरे कमाई का जरिया नहीं है, वो कि कल वो शादी करेगा और मेरी बहू मेरे घर पे बहुत सारे पैसे लेके आएगी, ऐसा नहीं। लेकिन आजकल जैसे पहले दहेज के लिए जो कुछ होता था वो अभी बहुत कम हो गया है। आजकल लड़कियां खुद ही शादी से पहले ही मना कर देती है अगर उसको ये पता चले कि मुझसे, मेरे माँ बाप से दहेज मांगा जा रहा है। और ये मानसिकता बदलने के लिए मैंने अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए, आप अपने घर से करो। अगर हम हर एक जन ऐसे बोलेंगे कि पहले सामने वाला सुधरेगा फिर मैं सुधरूंगी, तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। आज महिला दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप, खास तौर पे महिलाओं के बारे में क्या संदेश दें? सबसे पहले तो वुमेन्स डे जैसे कि आज मनाया जाता है, महिलाओं के लिए ये एक दिन नहीं है, हमेशा से हम लोग तो वुमेन्स डे मनाते हैं। और स्पेशली मैं तो अभी फ़िलहाल जो आयशा खान के साथ जो हुआ है, मेरे हिंदुस्तान की बेटियों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि बेटा कितना भी कोई भी तकलीफ हो ससुराल में, तो अपने मायके में अपने माँ बाप से आके अपने माँ बाप के पास आ जाना, लेकिन अपनी जान से जान मत गंवाना, कोई भी स्टेप ना उठाए। और जैसा कि हम सेलिब्रेशंस करते हैं, सभी महिलाओं के लिए मैं आज के दिन को बहुत शुभकामनाएं देती हूं और दुआ करूंगी कि जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़कर काम करती है, इसी तरह से हमेशा हम काम करते रहेंगे। भले हम मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई जैसे हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके रास्ते पर हम चलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, हम लोगों की भी यही राय है। और हमने अभी जो शकीला आपने यहाँ पर भी स्पीच दिया, उसमें भी इन्होंने यही बोला कि हम लोगों की यही तरफ से ये रिस्पेक्ट है और जो देते हैं हम वुमेंस को, और यही हमारी रिक्वेस्ट है उनसे
कि प्लीज़ अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने माँ बाप के आए, आप बचपन से ले गई जहाँ पैदा हुए जहाँ बड़े हुए वहाँ पे आप भरोसा नहीं करते हो, आप जाकर मौत को गले लगाते हो, तो ये गलत बात है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने माँ बाप के घर आए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और काफ़ी हद तक अभी जैसे पहले बहुत होता था ये, लेकिन अभी ये काफ़ी हद तक रुक गया है। लेकिन लड़कियाँ अगर ऐसा करेंगी अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं करके जान देने चली जाएंगी तो फिर माँ बाप भी मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो आप बोल रहे हो कि भाई वहाँ पे जो भी सर्वाइव कर रहे हैं उनको जो तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को हटा के अपने माँ बाप के आए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उनके माँ बाप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और ऐसी बच्चियों के साथ हमारी पूरी वुमेंस टीम है और हमारी पूरी महिला मंडल उनके साथ है, अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह से चाहे महिलाएँ हों, लड़कियाँ हों या आजकल बच्चों के ऊपर भी जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, कहीं एसिड अटैक हो रहा है, कहीं रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं कहीं प्रशासन भी इसमें लापरवाह लग रही है, तो सिर्फ क्या महिलाओं की सुरक्षा या फिर महिला दिवस के रूप में ही बस ये सिमट कर रह चुकी है आजकल? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए कैसा है कि 8 मार्च महिला दिन के नाम पर मनाया जाता है, इसके लिए तो महिलाओं को मैं क्या बोलते शुभेच्छा दूंगी, लेकिन महिलाओं ने कभी ये सोचा है कि हम खुद सक्षम हैं? हमें ज़रूरत नहीं है कि सामने हमें आकर कोई मदद करे या हमारे लिए कुछ सोचे। औरत जैसा अभी रूता मैडम ने स्पीच में बताया कि क्या बोलते उसको, दुनिया में औरत को अल्लाह ने लाया ही इसी के लिए है कि वो आगे की नस्लों को बढ़ाए। तो अब औरतों को ये समझना चाहिए कि हमको खुद मुख्तार होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि अभी ये बीच में ही कुछ हाल ही में क्या नाम था उस लड़की का जिसने, हाँ आयशा ने जो है खुदकुशी कर ली। तो कोई ना कोई, जब सास जो रहती है जो दहेज मांगती है वो एक औरत ही है, जब तक हम हमारी सोच को ना बदली करें। जैसे अभी मेरे घर में 2 बेटे हैं, लोग बोलते हैं आपको एक लड़की होगी तो अच्छी बात है, तो मैंने ये सोच रखनी चाहिए कि भाई लड़की जो है अगर मेरी बहू आती है तो वही मेरी लड़की है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके लिए मेरे बेटे को ये बोलूँ कि वो दहेज लाए तो तू बाइक ले, दहेज के पैसों में तू बाइक ले, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि आने वाली बेटी के लिए तू क्या कर रहा है, तेरी बीवी के लिए तू क्या कर रहा है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हमको दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि दहेज कौन लेता है, हमारे आपस के समाज के लोग ही लेते हैं। मैम आप भी एक महिला हैं और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं और आप भी एक महिला हैं और शिव भोजन भी चला रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ महिला दिवस के तौर पर ही सिर्फ ये महिला सुरक्षा जो है मनाया जाता है, इसके अलावा और भी आम दिन है जो वो क्या महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही दिन मनाया जाए? नहीं नहीं सर, ये तो गलत है, महिला दिन तो रोज़ होना चाहिए। हमें खुशी है कि महिला दिन डेली हो तो अच्छा है, और हमारे लिए सभी के लिए हर दिन महिला दिन है। जो जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये होना ही नहीं चाहिए सर, पहली बात तो हर जब महिला दिन हम मनाते हैं, महिला हर एक महिला किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, तो आप लोग जैसा, मैं भी आपको यही क्वेश्चन करना चाहूँगी सर, आप भी एक आदमी हैं तो आपको कैसा लगता है ये महिलाओं के साथ अन्याय होता है? तो महिलाओं के साथ अन्याय होता है वो चीज़ तो हम दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसा हो रहा है, लेकिन आप भी एक महिला हैं तो आप लोगों को भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ना कि बल्कि केवल एक दिन मोमबत्ती हाथों में लेकर फिर मोर्चा निकाल कर खामोश अपने घरों में बैठ जाएं। मैं थोड़ा मैसेज देना चाहूँगा। क्या कहेंगे? मेरा कहना ऐसा है कि मतलब ना जो अभी हुआ है आयशा के साथ में, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको सपोर्ट लेना चाहिए था या कोर्ट जाना चाहिए था, ताकि उसने जो ये किया सुसाइड किया वो नहीं करना चाहिए था। उससे उसके शौहर को क्या मिला? कुछ नहीं, सजा नहीं, कुछ नहीं है, वो तो फिर दूसरी शादी कर लेगा, उसको लड़ना चाहिए था अपने लिए। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे आयशा का मामला आया, इसमें दहेज सामने आई बात की, दहेज ज़्यादातर देखा जाता है कि जो घर की महिलाएं हैं यही महिलाओं की ही दुश्मन बन जाती हैं कि क्यों दहेज लेकर तू नहीं आई। महिलाएं आदमी से ज़्यादा देखा जाता है महिला, उसकी सास ही उसकी ननद है, वही प्रताड़ित करती है कि तू क्या लाई है, तो ऐसे में तो जो है ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। पहले तो जो घर वाले होते हैं ना लड़की के, वो ही बढ़ चढ़ के बहुत दहेज देते हैं, वही लोग, उसमें क्या होता है जो गरीब लड़कियाँ होती है ना वो पिस जाती है, अमीर जो घर की बच्चियाँ होती हैं ना उनके माँ बाप गाड़ी घर बंगला बहुत सारी चीज़ें दे देते,
उससे गरीब घर की बच्चियां दब जाती है। यही कारण होता है जो लड़कियों के साथ अत्याचार होता है ना, यही रीजन होता है घर। तो क्या दहेज मांगना ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दहेज के तो हम लोग बिल्कुल खिलाफ है। जो लोग ज्यादा दहेज देते हैं उनको मना करना चाहिए ना कि इतना दहेज नहीं देना चाहिए, दूसरों का भी गरीब लोग का नुकसान होता है ना, उनको तकलीफ होती है। एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सुनो, आजकल के जमाने में जो लड़कियों पे अत्याचार, जैसे बलात्कार, इसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो माओं को ये चाहिए कि उनको सेल्फ डिफेंस में डालें, जैसे जूडो कराटे है, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसके ऊपर मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा धर्म का मामला जुड़ जाता है कि कुछ महिलाएं ही अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती। ऐसा तो नहीं होता है, अभी हमारे भी बच्चे, लेकिन हम तो उन लोगों को बोलते हैं नहीं, अब आप पीढ़ी मतलब ऐसा चेंज हो गई है। नहीं, आप नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो है लोगों की सोच यही रहती है, तो उस सोच को बदलने के लिए आप क्या कहें? बहुत सारी महिलाओं के, अभी हम लोग इतनी सारी लेडीज़ हैं, सबकी तो सोच बदली है ना, ऐसा नहीं है, ज़माना बदल रहा है, पहले के जैसा अब नहीं है। बहुत फर्क आ गया ज़माने के हिसाब से, अभी लेडीज़ बाहर निकल रही है। अभी पहले मुमरा में कहाँ इतनी लेडीज होती थी, बाहर निकलती थी, सब पर्दे वाली ही थी। तो अब माशाल्लाह सारा लेडीज़ बाहर है, कारपोरेटर है माशाल्लाह हमारी आजकल से, कितनी लेडीज़ कारपोरेटर है, ऐसा नहीं है, ज़माना बदल रहा है। और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम समाज फील्ड में हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो हम लोग इस बारे में अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग खुद अप्रोच करेंगे अभी बाहर निकल के लोगों को कि आओ अपने लड़कियों को आगे बढ़ाओ। खास तौर पर क्या कहेंगे जो जिन तरह से दहेज मांगा जाता है, जैसे सास ससुर के तरफ से, या जो लोग दहेज ज़्यादातर देते हैं, और ऐसा होता है कि लड़कियां अगर प्रताड़ित होती हैं तो उनके माँ बाप भी ज़्यादातर नहीं सुनते। एक्चुअली क्या, देखो लड़की की भी गलती होती है, ऐसा नहीं है, लड़की क्यों प्रताड़ित होती है, क्यों होती है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए ना, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स का सुनना चाहिए, उनको भी एक कॉन्फिडेंस अंदर से माँ बाप देंगे अपने बच्चों को, तो अपने बच्चे क्यों ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन माँ बाप को भी सुनना चाहिए ना, अगर माँ बाप को खुद जाहिर हो जाता है कि जिसके साथ हमारी लड़की की शादी हुई है वो दहेज मांग रहा है, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो अपने लड़की को देखें, ध्यान दें उस पर, वो क्या कह रही है, उसकी बातों को समझें कि वो इस कदम, इतना भयानक कदम उठाने तक, जो एजुकेशन होने के बाद भी क्या है कि लड़कियां अपने आप को बोझ समझने लगती हैं, बोझ समझने लगती है, एक तरफ ससुराल के तरफ से प्रताड़ित होती है, फिर माँ बाप को बार बार शिकायत करें, दोनों तरफ से वो बीच में कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। तो क्यों ना माँ बाप को चाहिए कि अगर हमारी लड़की प्रताड़ित हो रही है तो क्यों ना हम अपने घर पर लेकर आ जाए, छोड़ो ना ऐसे लोगों को जो दहेज मांग रहे हैं। जी तो कैसा है समाज, पहली बार ना तो लोग समाज से डरते हैं, लेकिन समाज हमारे लिए नहीं आती है। आज आपका अच्छा है तो समाज आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपका जब बुरा होता है ना तो समाज वही, यही समाज जो हंसती है। तो मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी सारे माँ बाप को कि आप अपनी लड़की को आगे बढ़ाएं, और अगर आपको शादी करने के बाद कुछ ऐसा पता चलता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसका एक्शन आपको लेना चाहिए, ना कि अपनी बेटी को छोड़ देना चाहिए मरने के लिए। ये मैं ज़रूर बोलूँगी, और मेरे थ्रू अगर किसी का कुछ काम बनता है तो भी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आप एक छोटी बच्ची हो, और क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज वुमेन डे मनाया गया, आप भी यहाँ पर आए थी, इस पर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है, और मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स को कि प्लीज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो आगे पढ़ना चाहती है, बट जिनके पेरेंट्स उनको आगे पढ़ाते नहीं है, उन पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन्हें आगे पढ़ाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे साथ मौजूद है एलाइन टाइम्स के संपादक और आई कवर न्यूज़ के जो है संपादक, वो मौजूद हैं यहाँ पर, हम इन्हीं से बात करेंगे। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, उसके बारे में खासतौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस्लामुद्दीन भाई, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे शहर के अंदर, खास करके जिस फील्ड में है आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ, जो पत्रकारिता के अंदर, तो हम देखते हैं कि महिलाएं जो है कई समस्याएं उनके सामने रहती है। जैसा कि अगर हम म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जाएं तो देखेंगे कि वहाँ पे अक्सर और बिस्तर जो है महिलाओं की लाइन लगती है, राशन कार्ड ऑफिस में जाएंगे, बिजली का बिल भरने जाएंगे, उनके पीछे जो एक तरह का जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने वाला ऐसा कोई दिखता नहीं है या मिलता नहीं है, और वो अलग अलग समस्या को, लेकिन शहर के अंदर ऐसी भी कई महिलाएँ जो उनके लिए दिन रात जो है लड़ती है। तो हमने ये सोचा कि शहर के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, कि ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए जो खास करके महिलाओं के लिए लड़ती है,
तो ये प्रोग्राम वही था, आज उनको सम्मान किया गया यहाँ पे बुला करके, और जो उनकी हौसला अफजाई जिस तरह से वो साल के 12 महीने काम कर रहे अलग अलग क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो और सोशल वर्कर हो, तो वो अपने अपने तौर से महिलाओं के लिए काम करती है, और ये ज़रूरी भी है कि उनको ऐसे मौके पर सम्मानित किया जाना चाहिए। देखिए, आज हम 2021 में कदम रख चुके हैं, लेकिन अगर अभी ये सवाल या प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम महिला दिवस मनाएं, अगर ये खुशी के तौर पर मनाया जा रहा होता तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य, इसका जो मकसद जो यूनियन ने बनाया कि मर्द बिरादरी को या सोसाइटी को, इस समाज को ये पैगाम जाना कि औरतें भी इस मुल्क, इस ये जो ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, खुदा ने बनाई है, बराबर का हिस्सा रखती हैं, बराबर का दर्जा रखती हैं। अगर आदम को अल्लाह ने बनाया तो हव्वा को भी ज़रूर बनाया, इसका मतलब दोनों का साथ तालमेल होना चाहिए। तो उनके जो जायज़ हक, उनको जो समाज में जायज़, जो उनको जो इख्तियार मिलना चाहिए था, पावर मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ख़त्म होता चला जा रहा है। ज़माना तरक्की ज़रूर कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गए हैं लोग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई और बहुत सोसाइटी आगे बढ़ गई, लेकिन उसी तरह से जो हक का मामला है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे आ गया है। इसमें हमारे समाज की औरतें इसका ज़्यादा शिकार हो रही हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये मकसद था यूनो का, ये दिन बनाने का। तो हमारा जो चैनल, अभी आपने देखा कि रफ़ी शेख साहब ने आपसे बात की, तो हम दोनों का जो चैनल है, हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे शहर में कम से कम एक छोटे पैमाने पे ही सही एक कोशिश की जाए कि समाज के उन्हीं उस हिस्से से, उस सिनफ से जिनको औरत कहा जाता है, उन्हीं को उठाया जाए। वो लोग जो काम कर रही हैं, वो चाहे डॉक्टर जैसे उन्होंने बताया, अलग अलग शोबे से जो नुमाया काम करें उनको आगे लाया जाए, मिसाल के तौर पर कि देखिए ये एक सिम्बॉल हैं, ये आगे बढ़ रही हैं तो आप भी आगे बढ़ सकती हैं, आपका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, आपका हक कोई नहीं मार सकता। जाहिर सी बात है कि एक कहावत मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। यहाँ हमने कोशिश की एक भाई होने के नाते या एक बेटा होने के नाते, इस शहर के एक मर्द होने के नाते, कि हम अब उन औरतों को आगे लाएं जो समाज में काम कर रही हैं, जो कहीं खो गई थी, उन्हें सामने लाएं और समाज को बताएं कि भाई ये आपका ही अंग है, ये आपका हिस्सा है। अर्धांगनी कहा जाता है, निस्व बेहतर कहा जाता है, हाफ बेटर कहा जाता है। तो जब आप हाफ मान रहे हैं तो उनको हाफ हक देने में आपको क्या मुश्किल, क्या परेशानी है। तो आज के प्रोग्राम का यही मकसद था कि एक बेदारी पैदा हो, एक मैसेज जाए, एक पैगाम जाए कि औरतें समाज का अटूट हिस्सा है, उन्हें छोड़कर समाज तरक्की नहीं कर सकता, औरतों के हक मार कर समाज आगे नहीं जा सकता। तो ये मकसद, इस मकसद के लिए प्रोग्राम आज रखा गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो हमारे ऐलान टाइम्स के जो हमारे दोस्त हैं हमीद भाई और रफीक भाई, जो जिन्होंने प्रोग्राम किया था, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तमाम माँ बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन मर्दों को पैगाम देना चाहता हूँ, उन इंसानों को जो महिला को हकीर की नज़र से देखते हैं, हिकारत की नज़र से देखते हैं, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उन्हें जैसे हम अपनी माँ बहन को समझते हैं, वैसे ही ठीक दूसरी बिरादरी की जो हमारी माँ बहन है उनको हमें उसी नज़र से देखना चाहिए। एक बार और उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद पेश करते हुए। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज जो है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है महिलाएँ आई हुई थी, और क्या कहा इन्होंने, अपनी अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से दी है, आपने उन बातों को सुना है। बहरहाल जिस तरह से लड़कियों की बात सामने है, महिलाओं की बात सामने है, जिस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को बढ़ चढ़कर आगे आने की अब बेहद ही ज़रूरत है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।